वीडियो में हम देखेंगे जनरल हिंदी का सेक्शन जो कि NVS का है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वेच्छा का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, स्व प्लस इच्छा। 22वां क्वेश्चन है, शे प्लस अन बराबर शयन का संधि भेद है, तो यह होगा हमारा अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, लोक के लिए अर्पण का समस्त पद है लोकार्पण। 24वां क्वेश्चन है, नृत्य का तद्भव रूप होगा, नृत्य का तद्भव होता है नाच। 25वां क्वेश्चन है, अब मैंने चलने की आज्ञा दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप है, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है, तो इसमें से एक वचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिटिया। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ होता है बने बनाए काम को बिगाड़ना, चौथा आंसर था इसका। 28वां क्वेश्चन है, यात्री का पर्याय नहीं है, तो यात्री का पर्याय नहीं है हम सफ़र। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सेठ सेठनी। कौन सा शब्द युग्म वचन की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका आंसर है पहला, शाखा और शाखाएं। 31वां है, वैध का विलोम होगा, वैध का विलोम होगा अवैध। निम्नलिखित 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तीरथ। 33वां है, गेहूं का तत्सम रूप है गोधूम, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 34वां है, आज वह डैश में भाग ले रहा है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, तो इसका आंसर हो जाएगा घुड़ दौड़ में। 35वां, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, तो इसका आएगा खरा का खोटा, चौथा ऑप्शन। 36वां, घड़ी के लिए तत्सम शब्द होगा घटिका। 37वां, बड़ा चढ़ाकर बात करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा नमक मिर्च लगाना। सोना का पर्याय है स्वर्ण, 38वां था ये। 39 है, यमक अलंकार का उदाहरण, तो कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो ये इसका उदाहरण है। 40वां क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो इसका आंसर होता है अत्यधिक कंजूस होना। तो ये था हमारा हिंदी का सेक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।